हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज तारीख हो चुकी है 25 दिसंबर और हर रोज़ की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2021 को लेकर आईपीएल के ऑक्शन, ट्रेड विंडो और इसके साथ ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही सीरीज़ को लेकर 8 काफ़ी बड़ी और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं, जो कि अगर आप लोग क्रिकेट के फैंस हैं या फिर आईपीएल के बड़े फैंस हैं तो आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन गाइज़, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, हमारी सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि निकल कर आ रही है बीसीसीआई की एजीएम मीटिंग को लेकर। कल दिन में 12 बजे से हमें एजीएम की मीटिंग देखने को मिली थी सौरव गांगुली की अगुवाई में, जो कि अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में हुई थी। और इसमें जो जो फैसले निकल कर आए उसके बारे में हमने आपको इस मीटिंग के जस्ट बाद एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर दी थी, तो आप लोग पूरी डिटेल्स के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन मैं की पॉइंट्स को एक बार फिर से आपको बता देता हूं जिन लोगों ने हमारी वो वीडियो मिस कर दी थी। तो सबसे पहला फैसला निकल कर आया है कि 2 नई टीमों की एंट्री तो होगी, लेकिन वो इस बार के आईपीएल में नहीं होगी। एक्सपेंशन हमें देखने को मिलेगा आईपीएल 2022 में। दूसरा फैसला लिया गया है कि आईपीएल का वेन्यू भारत ही होगा। इस बार यूएई में आईपीएल को शिफ्ट बीसीसीआई नहीं करने वाली है, तो भारत में ही आप लोगों को आईपीएल 2021 देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आईपीएल 8 ही टीमों के साथ खेला जाएगा और इस बार ऑक्शन हमें मिनी ऑक्शन देखने को मिलने वाला है। इसके साथ ही ऑक्शन की डेट के बारे में भी बीसीसीआई ने हिंट दे दिया है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आप लोगों को मिनी ऑक्शन देखने को मिलेगा। तो गाइज, ये सारी बड़ी अपडेट्स इस एजीएम की मीटिंग से निकल कर आई है। कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके आप लोग बताइए आप कौन कौन से फैसलों से सहमत हो, कि आपको लगता है कि कोई ऐसा डिसीजन था जो कि बीसीसीआई को चेंज करना चाहिए था या फिर नहीं। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है भुवनेश्वर कुमार की तरफ से। भुवनेश्वर कुमार पिछले काफी टाइम से यहां पर दूर चल रहे हैं, आईपीएल में भी वो नहीं खेले थे और उसके बाद अभी जितनी भी सीरीज हो रही है उनमें पिछले काफी टाइम से क्रिकेट से दूर चल रहे हैं और अब फाइनली भुवनेश्वर कुमार के रिटर्न की डेट निकलकर सामने आ चुकी है। और ये बताया जा रहा है कि अपनी इंजरी से वो पूरी तरीके से रिकवर कर पाएंगे अप्रैल तक, यानी कि आईपीएल 2021 में भुवनेश्वर कुमार आप लोगों को खेलते हुए नजर आएंगे सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से। इस बार उनके ना होने से एसआरएच की टीम में यहां पर टी नटराजन ने खुद को एस्टेब्लिश कर लिया था, तो ऐसे में क्योंकि मिनी ऑक्शन होने वाला है तो भुवनेश्वर भी अगर इनकी टीम में आ जाते हैं तो एसआरएच के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार, उनके साथ ही संदीप शर्मा और उनके साथ ही टी नटराजन, ये तीन बहुत ही अच्छे इंडियन फास्ट बॉलर्स इनके पास आ जाएंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आपके हिसाब से एसआरएच की टीम को मिनी ऑक्शन में कौन कौन से प्लेयर्स को बाई करना चाहिए। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि कल बीसीसीआई की एजीएम मीटिंग से निकल कर आई है। अब क्योंकि बीसीसीआई इस बात को बता चुकी है कि आईपीएल 2021 में हमें मेगा ऑक्शन नहीं देखने को मिलने वाला, रूल्स के हिसाब से इस साल हमें मेगा ऑक्शन देखने को मिलने वाला था, लेकिन बीसीसीआई इसको एक साल के लिए शिफ्ट कर रही है क्योंकि उनको 2 नई टीमों की एंट्री देखनी है। अगले साल तो वो एक साल का वेट करना चाहते हैं। और गाइज, अब मिनी ऑक्शन होने से ट्रेड विंडो की फिर से आप लोगों को जल्दी शुरुआत देखने को मिलेगी। हम सब लोग जानते हैं कि मिनी ऑक्शन में ट्रेड विंडो का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होता है। अगर मेगा ऑक्शन होता है तो ट्रेड के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, लेकिन अगर मिनी ऑक्शन होता है तो सारी टीमें ट्रेड पर काफी ज्यादा फोकस करती हैं। लास्ट ईयर भी हमने काफी बड़े बड़े ट्रेड देखे थे, तो अब क्योंकि बीसीसीआई बता चुकी है फरवरी के फर्स्ट वीक में हमें ऑक्शन देखने को मिलने वाला है, तो ऐसे में अब ट्रेड विंडो क्योंकि एक महीने पहले एक्टिव हो जाती है तो अगले कुछ दिनों में आप लोगों को ट्रेड विंडो ओपन होते हुए नजर आ जाएगी, जो कि करीब एक महीने तक चलेगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोग अपनी फेवरेट टीम में कौन से बड़े प्लेयर को ट्रेड होते हुए देखना चाहते हो। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट को लेकर, जो कि 26 तारीख से यानी कि कल से आप लोगों को देखने को मिलेगा। और भारतीय टीम के चेंजेस अब यहां पर ऑलमोस्ट इस मुकाबले से पहले फिक्स नजर आ रहे हैं। जो रिपोर्ट निकल कर आई है ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर्स के हवाले से, भारतीय टीम ने अपनी टीम को फिक्स कर लिया है कि क्या क्या चेंजेस वो करने वाले हैं। पृथ्वी शॉ की जगह आप लोगों को शुभमन गिल की एंट्री देखने को मिलेगी। विराट कोहली, जो कि भारत वापस आ चुके हैं, उनकी जगह रविंद्र जडेजा को इस मुकाबले में खिलाया जाएगा। रिद्धिमान साहा की जगह आप लोगों को ऋषभ पंत एज अ विकेटकीपर बैट्समैन खेलते हुए नजर आएंगे। और मोहम्मद शमी, जो कि इस पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं, उनके बदले मोहम्मद सिराज को भारतीय टीम में इस टेस्ट मुकाबले के लिए शामिल किया जाएगा। तो ये बड़े चेंजेस के बारे में अपडेट निकल कर आई है कि ये 4 चेंजेस के साथ भारतीय टीम उतरेगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए
क्या आपको लगता है कि इन चार बड़े अपडेट्स के साथ भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को बीट कर पाएगी या फिर नहीं। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क को लेकर। स्टार्क के आईपीएल में आने को लेकर लगातार काफी बड़े बड़े स्टेटमेंट्स निकल कर आ रहे हैं और अब फाइनली स्टार्क ने अपने मुंह से इस बात को कबूल कर लिया। उन्होंने बता दिया है कि वो आईपीएल में आने वाले हैं, आईपीएल में उनकी एंट्री होगी। उन्होंने बताया है कि क्योंकि वो वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं टी20, और टी20 में उनका जो परफॉर्मेंस है वो पिछले काफी टाइम से उतना ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा जितना कि वो टेस्ट मुकाबले में कर रहे हैं, तो वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए आईपीएल से अच्छा प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं मिलेगा। तो इस बार के मिनी ऑक्शन में मिचेल स्टार्क आप लोगों को देखने को मिलेंगे, आईपीएल में फाइनली मिचेल स्टार्क का हमें रिटर्न देखने को मिलेगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आपके हिसाब से कितने करोड़ रुपए की बिडिंग स्टार्क के ऊपर होगी और कौन सी टीम आपको लगता है कि उनको खरीद सकती है इस बार के ऑक्शन में। फिलहाल गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है दो नए टीमों के फ्यूचर को लेकर। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अहमदाबाद लॉयंस की टीम और उनके साथ एक और टीम ये फिक्स हो चुकी है। बीसीसीआई ने ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है कि आईपीएल 2022 से हमें 8 नहीं बल्कि 10 टीमें देखने को मिलेंगी और अब बीसीसीआई ने बता दिया है कि इनका टेंडर अप्रैल या फिर मई में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। वहां से इन फ्रेंचाइज का जो स्टार्टिंग है वो एक तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि इनको खेलने के लिए 2022 तक का वेट करना पड़ेगा, लेकिन ये फ्रेंचाइज अब पूरी तरीके से अप्रैल मई से फॉर्म होना स्टार्ट होगी और करीब एक साल के अंदर अंदर आपको ये टीम पूरी तरीके से कंप्लीट होते हुए नजर आएंगी, ताकि 2022 में मेगा ऑक्शन हो और ये अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइज को बिल्ड कर सके और उसके बाद से आईपीएल आप लोगों को 8 नहीं बल्कि 10 टीमों के साथ देखने को मिलेगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए क्या आप लोग बीसीसीआई के फैसले से खुश हो या फिर नहीं दोनों ही टीमों को ऐड इस साल से ना करने के। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है चेतन शर्मा को लेकर। यहां पर एक नई अपडेट निकल कर आई है कि भारत की जो सीनियर क्रिकेट टीम है उनके नए चीफ सेलेक्टर बन चुके हैं चेतन शर्मा, और इनको काफ़ी ज़्यादा टक्कर और काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल फाइट दी अजीत अगरकर ने। ये बताया जा रहा है कि अजीत अगरकर थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, मतलब कि वो भारतीय टीम अगर आ जाते तो उसी तरह के पर्सन है जैसे कि अनिल कुंबले थे, और हम सब लोग जानते हैं जब अनिल कुंबले कोच थे तो उनकी प्लेयर्स के साथ बनती नहीं थी क्योंकि वो डिसिप्लिन वगैरह को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, न्यूज़ रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आई थी। और चेतन शर्मा बताया जा रहा है कि इसी वजह से भारतीय टीम के नए चीफ सेलेक्टर बने हैं, क्योंकि अजीत अगरकर को चीफ सेलेक्टर बनाने के पक्ष में बीसीसीआई और भारत के प्लेयर्स नहीं थे, तो चेतन शर्मा नए चीफ सेलेक्टर बन चुके हैं। देखना होगा किस तरीके से उनका कार्यकाल आगे प्रोसीड होता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आपके हिसाब से चेतन शर्मा क्या सही विकल्प होंगे भारतीय टीम की सिलेक्शन प्रोसेस के या फिर नहीं। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं और आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि बहुत ही बड़ी अपडेट है ट्रेड विंडो के रिगार्डिंग। हमने आपको बताया था कि सारी फ्रेंचाइज ऑक्शन के अनाउंसमेंट का ही वेट कर रही है, और जैसे ही मिनी ऑक्शन की न्यूज आई वैसे ही कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है कि ये क्रिस लिन को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। इन्होंने इच्छा जताई है मुंबई इंडियंस से कि वो क्रिस लिन को रिलीज कर दें, और अगर हो सके तो ये उनको ट्रेड करना चाहते हैं सीधे सीधे, क्योंकि केकेआर की टीम एक परफेक्ट ओपनर को कभी भी तलाश नहीं कर पाई। शुभमन गिल के साइड के जो ओपनर थे वो लगातार चेंज होते रहे, और इसका असर हमने देखा शुभमन की बैटिंग पर भी, काफ़ी ज़्यादा उनकी बैटिंग नेगेटिवली अफेक्ट हुई थी। तो ऐसे में एक प्रॉपर ओपनर जो कि तेज गति से बल्लेबाजी कर सके केकेआर को चाहिए, और क्योंकि क्रिस लिन पहले भी इनकी टीम का हिस्सा रह चुके हैं तो ऐसे में इनसे बढ़िया ऑप्शन इनको नहीं मिल सकता। अगर ये ट्रेड हो जाते हैं तो फिर काफी कम पैसे में भी मिल जाएंगे, उनके बेस प्राइस में मिल जाएंगे। तो ऐसे में अब एमआई का मैनेजमेंट देखना होगा कि क्या क्रिस लिन को रिलीज करता है या फिर नहीं, लेकिन केकेआर ने इनको पहले ही ऑफर दे दिया है ट्रेड होने का। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए क्या आप लोग क्रिस लिन को ट्रेड होते हुए देखना चाहते हो एमआई से केकेआर में या फिर नहीं। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक थी, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।